फिरोजाबाद में रक्षाबंधन का त्यौहार जिला कारागार में भी मनाया गया। जेल में बंद भाइयों को राखी बांधने हजारों की तादाद में पहुंची बहनें। उमस भरी गर्मी में छोटे छोटे बच्चों के साथ घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भाइयों की कलाई पर बांधी बहनों ने राखी। ये गेट के बाहर धक्का खाकर लाइन में खड़ी हजारों की तादाद में महिलाएं फिरोजाबाद जिला कारागार के बाहर हैं, जो जेल में बंद अपने भाइयों को राखी बांधने आई हैं। उमस भरी गर्मी में छोटे छोटे बच्चों के साथ घंटों लाइन में खड़े होने के बाद तीन गेटों के अंदर जाकर अपने भाइयों को मिठाई खिलाकर हाथों में राखी बांधती नजर आ रही हैं। वहीं जेल में बंद कुछ महिला कैदियों व समाज सेवी महिलाओं ने भी जेल अधीक्षक व जेलर को कलाइयों में राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। तो राखी बांध दी आपने? राखी बांधने आई है? क्यों नहीं बन पाई राखी? क्यों खड़ी है यहाँ? अपने भाई की मिलाई करने आए। और आज रक्षाबंधन है, दोनों तरह से आए, मिलाई करने भी आए, राखी बांधने भी आए। किस तरह सेलिब्रेट किया है? बहुत अच्छी तरह आज मुझे अपने बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। अच्छा, और परिवार से कोई आए आपके? जी, आज मेरे भाई लोग। पर्व के दृष्टिगत कारागार में व्यापक इंतजाम किए गए थे। बाहर तीन बैरियर बनाए गए हैं। पहले बैरियर पर महिलाओं की पर्ची बन रही है, दूसरे बैरियर पर मोहर लग रही है, तीसरे बैरियर पर तलाशी करके उनको अंदर लिया जा रहा है। और इस सारी व्यवस्था में हमारे अपने स्टाफ के साथ साथ महिला पुलिसकर्मी और पीवीसी कर्मचारी भी हमें सहयोग कर रहे हैं। और एक एनजीओ के माध्यम से बाहर पीने के पानी की व्यवस्था करवाई गई है, टेम्परेरी टॉयलेट्स बनवाए गए हैं। और अभी तक लगभग 2000 महिला बंदियों की मुलाकात हो चुकी है। इस बात की कोशिश है कि कोई अव्यवस्था ना हो, कोई अफरा तफरी ना हो। और खास ध्यान हमें ये रखना है कि शाम तक कोई भी ऐसी महिला बहन अपने भाई से मिले बिना ना जाए। लगभग कितनी बहनें आज अपने भाइयों को राखी बांधने, कितनी तादाद? लगभग 2500 से 3000 महिला की आने की संभावना है। लक्ष्मी फाउंडेशन की तरफ से स्वतंत्रता दिवस, ईद और रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की ओर से सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मदनलाल वर्मा, प्रांतीय मंत्री उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, अपने फरियाबाद नगरवासियों को स्वाधीनता दिवस, बकरीद, रक्षाबंधन व जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं कि फिरोजाबाद वासियों को शीघ्र ही गंगा जल प्राप्त हो और शहर के अंदर शांति के साथ
सारे त्योहार मनाए जाएं। धन्यवाद।